हाँ मेरे YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आया हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए इच्छुक है गाइस। आप लोगों का बार बार ये कमेंट आ रहा है कि भैया 8 तारीख को जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है आपका परिणाम कैसा रहा, आपके कॉलेज का परिणाम कैसा रहा, कितने कितने परसेंट पे लड़के जो है आपकी इस बार क्वालिफाई हुए हैं। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि भैया अभी हमारा रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं रिजल्ट शो कर रहा है, क्या आपके भी कॉलेज में ऐसा रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। फिर तीसरे नंबर पर ये क्वेश्चन है कि एक कॉलेज परमानेंट कोई करके है उसमें सभी कैंडिडेटों का जो है रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। तो गाइज ये तीनों क्वेश्चनों का मैं जवाब लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन ये था आपका लोगों का कि भैया आपके कॉलेज से कितना परसेंट लड़कों का बना है और हाईएस्ट परसेंटेज कितना है। तो गाइज जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि हाईएस्ट परसेंटेज मेरे कॉलेज का जो है 82% है इस बार बीएड थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में परसेंटेज ज़्यादा बनने का कारण ये है कि माइक्रो टीचिंग आपकी 100 नंबर की थी और उसमें आपके कॉलेज वाले अच्छा नंबर दिए होंगे मुझे उम्मीद है, तो उसकी वजह से परसेंटेज अच्छा बना और मेरे कॉलेज में 82% जो हाईएस्ट हुआ। और अगर सबसे कम किया कहा जाए कि कितना परसेंटेज बना है लड़कों का, तो सबसे कम लगभग 70-75 से सब लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, अधिकतर मैं अभी तक जिसने अपने कॉलेज के सहपाठियों से बात किया हूँ या जितने कैंडिडेटों से बात किया हूँ सब लोग ये बता रहे हैं कि मेरा 70+ ही है, 70 अधिकतर लोगों का प्लस है। जैसे कि मैं थर्ड अगर सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं कि उसमें परसेंटेज तो लगभग 65 और 60 तक भी लड़कों का बना हुआ था, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जितने भी लड़कों से परसेंटेज की बात किया जाए, जितने भी लड़कों का परसेंटेज बना, सबका 75 या 70+ ही है। तो गाइस मैं अपने अगर परसेंटेज की बात करूँ, आप लोगों का काफ़ी डिमांड था कि मेरा परसेंटेज कितना है, तो 79 पॉइंट कुछ करके मेरा परसेंटेज है, 79.4 करके मेरा परसेंटेज है। तो ऐसा कुछ है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कितना, तो मैं उनको कमेंट में 80 बता दिया हूँ। तो आप लोग ये ना कहिए कि आप ये कह रहे थे और आपका परसेंटेज ये है, तो बस एक दो नंबर की वजह से जो है परसेंटेज 80 नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। और दूसरे नंबर पे जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि भैया अभी हमारा रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा है ये बता दीजिए आप, और रिजल्ट कैसे शो करेगा पहली बात। तो दूसरी बात, आज जो जो लड़के अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं या नहीं उनका रिजल्ट शो कर रहा है, तो पहली बात आप अपना जो रोल नंबर है और सेमेस्टर है और बीएड का जो कोर्स है उसको अच्छे से फिलअप करिए, हो सकता है आपको दिक्कत हो। और जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर अपना रिजल्ट खोलना है तो डेस्कटॉप साइट पर करके खोलिए, अगर आप सिस्टम पर खोलना है मतलब लगता आप या कंप्यूटर पे खोलना है तो उस पे रिजल्ट आसानी से खुल जा रहा है, और अगर मोबाइल पे खोलना है तो डेस्कटॉप साइट करके खोलेंगे तो अच्छे से आपका रिजल्ट शो करेगा। और इसके बाद जो पिता का नाम या माता श्री का नाम है तो उसको आप कैपिटल में लिखिए, तो आपका रिजल्ट जल्दी शो होने का ज़्यादा उम्मीद है। और गाइस बहुत ज़्यादा आप लेट ना करिए। फिर तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहा था आप लोगों की, भैया रौना बारा वाला जो साइट है वहाँ पे किसी भी लड़कों का जो है रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है, और भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, दूसरे भी कॉलेज के हैं, और कुछ लड़कों का वैसे भी रिजल्ट नहीं शो कर रहा है जिनके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गया है, जिन जिन कैंडिडेटों का बैक लगा हुआ है उनका रिजल्ट शो होने में दिक्कत हो रही है, ये जान लीजिए। जिन जिन कैंडिडेटों का बैक लगा हुआ, अधिकतर हर लड़कों का खुल चुका है रिजल्ट, अधिकतर हर लड़के, अगर मोबाइल से आप खोल रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट पर करके खुलिएगा तो आसानी से खुल जाएगा, लेकिन अधिकतर हर लड़के जो अपना रिजल्ट देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने रिजल्ट अपना नहीं देख पाया है या देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर, अपने पिताजी का नाम लिख के भेजिए, और आपका रिजल्ट जरूर मैं चेक करके कम्युनिटी पे या जो है आप इंस्टाग्राम पे आइएगा, मैं वहां पे आपके पास सेंड कर दूंगा। और जिन कॉलेजों वालों का भी रिजल्ट नहीं शो कर रहा, तो मैंने यूनिवर्सिटी पे भी 1 घंटा पहले बात किया, तो वो लोग बोल रहे थे कि साइट की वजह से जो है या कुछ आपके जो कॉलेज वाले हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, मतलब प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट का कितने लड़कों का हुआ कितने लड़कों का नहीं हुआ, उसकी कारण उन लोगों का रिजल्ट जो है नहीं शो कर रहा। ये मेन गलती अगर जिन लड़कों का जो कॉलेज वाले हैं परमानेंट, जिन कॉलेजों के किसी भी छात्र का रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, उसका कारण यही है कि आपके कॉलेज के जो टीचर हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी को सही ब्यौरा नहीं दिया, सही डाटा नहीं दिया, और वो अपना प्रैक्टिकल या किसी चीज में अगर गलती किए हुए उसके कारण उन लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जिनका रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा, आप अपने कॉलेज पे बात करिए, अपने टीचरों को से बात करिए, वो लोग जरूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। और रिजल्ट अधिकतर थर्ड सेमेस्टर वालों का अधिकतर 90% लड़कों का जो है वो रिजल्ट दिखाई दे रहा है। रिजल्ट ना दिखाई देने का कारण यही है कि आप डेस्कटॉप साइट पे नहीं खोल रहे हैं, प्लस आपके जो कॉलेज वाले हैं वो सही डाटा जो है यूनिवर्सिटी को नहीं दिए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर अपना रोल नंबर और पिताजी का नाम या माता श्री का
नाम लिख के भेजिए, मैं रिजल्ट चेक करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर, जैसा कि मेरे कॉलेज में अभी PPT होने वाला है और एक दो एक्टिविटी जो टूर का है, टूर का आप लोगों को इसीलिए करवाया जाता है कि उसका भी प्रैक्टिकल होगा। और कुछ लोग मुझसे एक क्वेश्चन और पुटअप हो रहा था कि भैया फोर्थ सेमेस्टर में क्या प्रैक्टिकल है कि नहीं है। तो गाइस फोर्थ सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपका किस किस चीज़ पर रहेगा, तो आपका PPT पर रहेगा, आपको जो स्काउट गाइड हुआ उसका फाइल रहेगा, और इसके बाद आपका एक भ्रमण वाला जो आप टूर गए होंगे और स्काउट गाइड गए होंगे, वो PPT, तीन फाइल आपकी लगेगी, 25-25 नंबर का, आप जानते होंगे, ये चीज़ मुझे बता रही नहीं है, जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर में है। तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आपका एग्जाम के बाद ही होगा, और एग्जाम की बात किया जाए तो जल्दी से जल्दी परीक्षा फॉर्म भर के एग्जाम यूनिवर्सिटी कराने का प्रयास करेगी। आप जानते हैं कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी एग्जाम कराने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय इंडियन रेलवे, जय प्रयागराज, जय संगम निधि। जो लोग रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपना रोल नंबर और पिताजी का नाम भेजिए, मैं चेक करके आपको बताऊँगा। जय हिंद।